Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. वरुण धवन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर स्टार फिल्म कलंक, जो कि रिलीज होने वाली है 17 अप्रैल को। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। पार्टीशन से पहले की ये फिल्म काफ़ी अच्छी स्टोरी आप लोगों को दिखाने वाली, हिंदू और मुस्लिम की प्रेम कथा। दोस्तों अब आपको बता दें कि कल इसका बेहतरीन गाना आउट होने वाला है, जो कि है तबाह हो गए, जिसके अंदर आप लोगों को माधुरी दीक्षित का वही बेहतरीन क्लासिकल डांस नज़र आने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट को डांस करते हुए घर मोरे परदेसिया सॉन्ग में देख ही लिया होगा। दोस्तों इससे पहले भी इसके 3 सॉन्ग्स आउट हो चुके हैं और एक ट्रेलर भी आउट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बस बना चुका है इस फिल्म का। और अब ऐसे में इसका ये चौथा गाना और भी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। इसका हर एक गाना काफ़ी बड़े स्केल पर शूट हुआ है, काफ़ी बड़े सेट्स इसमें लगे हैं और काफ़ी बेहतरीन म्यूज़िक भी इसमें हम लोगों को सुनाई दिया है। अब आपको बताएं दोस्तों कि कल वाले गाने में माधुरी दीक्षित आप लोगों को बेहतरीन डांस करती हुई नज़र आएंगी। वहीं पुराने अवतार में माधुरी दीक्षित आपको नज़र आएंगी, जो क्लासिकल करते हुए काफ़ी बेहतरीन लगती हैं। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को संजय दत्त की झलकियां भी नज़र आ सकती हैं। आपको बता दें ये सॉन्ग कल आउट होगा और अभी तक इसकी रिलीज टाइमिंग कन्फर्म नहीं हुई है। खुद ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुके हैं पूरी कलंक टीम। ये दोस्तों आलिया भट्ट और वरुण धवन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी हमें साझा की थी। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होगा कि क्या माधुरी दीक्षित वही पुराना जादू एक बार फिर से दोहरा पाएंगी या फिर नहीं। दोस्तों आप लोग इस गाने के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन को, ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.